सारा काम हो चुका था और मैंने नाथ की पूजा भी कर ली थी। अब मैं जो है ना इनको छाटूंगी, जो सही है उनको अलग कर देते हैं और जो के मुझे सही करने हैं उनको अलग कर लेंगे। अब इनमें से ना एक काम और करूंगी, क्योंकि ना गर्मी आ गई है, मच्छर आने लगे हैं बहुत, इनके पीछे ना बैठ जाते हैं। बच्चों से पूछ के जो इनके फेवरेट है वो मैं रखूंगी बाहर, बाकी ना मैं थोड़े दिन के लिए सर्दियों तक इनको बैग के अंदर डालूंगी। अब चलिए छाटते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला भी खराब है, ये वाला भी सिलेगा, ये वाले तो बिल्कुल ठीक है, इनको अलग कर देती हूँ। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ना यहाँ से फटा हुआ है, इसको भी मैं इधर कर लेती हूँ। ये वाला तो ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है। इन पे ना देखो बेटी ने पिन लगाया हुआ है, वो ऑपरेशन करती है ऐसे ना, यहाँ पे पिन लगाया हुआ है इसके पेट पे। अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ये पिलो है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी वाला भी ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये भाई साहब तो देखिए इनके तो क्या ही हाल रखे, और ये ना जब नया लिया था, नया का एक दो दिन बाद ये फट गया था। ये वाला हम अलग कर देंगे, ये भी ठीक है क्योंकि अभी पिछले साल इन लोगों ने लिया है, ये बिल्कुल ठीक है। बच्चों के बाद में देखो इतने सारे टॉयज, जैसे लेडीज का होता है ना कि हाँ जहाँ कपड़े दिखे बस उनको कपड़ों की शॉपिंग अच्छी लगती है, लेडीज को बच्चे को ना जहाँ टॉयज दिख जाते हैं उनको टॉयज ही ऐसे हो जाते हैं जैसे इनके पास ही नहीं। देख ये ना ऐसे ऐसे बात करते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये सारे इनका। ये ना बेटी के बचपन के हैं, जब बेटी छोटी थी तब के। ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये बेटी का है, उसको बहुत पसंद है, ये उसने लिया था, ये वाला बेटे का था, ये वाला बेटी का था। ये डोरेमोन, इनकी आईज ही खराब हो चुकी है बिल्कुल, ये देखिए, लेकिन ये वैसे फटे हुए नहीं है कहीं, ये भी फट रहा है, इनकी तो दर्द टूट गई है। बहुत सारे हो गए सिलने के लिए, और पता है मुझे सिलाई का काम ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मुझे सिलाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे बेटी ने पिन लगाया होता है ना, कई बार तो मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ कि कहीं से अगर फट रहा और मैंने पहन लिया, मैंने पहले नहीं देखा पहन लिया, तो मैं भी उसमें पिन लगा लेती हूँ, चेंज नहीं करती हूँ। ये देखिए ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये मेरा फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी मिन्नी भी, इसको भी सिलना पड़ेगा, ये भी फटी गई है, और ये ठीक है, ये ठीक है, ये डॉगी, ये ठीक है, ये डॉल ठीक है, नहीं ये डॉल ठीक है, वो दोनों भी ठीक है बिल्कुल, वो भी नए हैं, और ये देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, इनकी तो हालत ज्यादा ही, ये स्नेक भी ठीक है। ये देखिए आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए कितना ऑपरेशन है, कितनी मेहनत बेटी ने की है, वाह वाह, 1 2 3 4 एंड 5 मात्र 5 जो पिन है वो इसमें लगाए हुए हैं, क्योंकि इसकी पैंट पूरी फट चुकी थी उसको, लेकिन इससे खेलना था तो मैडम ने इसमें पिन लगाया। ये देखिए एक तो पैर ही गायब है, ये तो जरूर बेटे का काम है, ये तो तय कर, देखो इसमें ना सिलाई लगाई है, मुझे नहीं पता किसने लगाई, मैंने नहीं लगाई है, ये देखिए सिलाई हो रखी है, चलिए काम चल जाएगा, चाहे मोटे पतले अच्छे बहुत हैं। अब देखिए इस तरीके से ये इतने सारे फिर भी काफी निकल गए, ठीक, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे ना इनको ठीक करना है, ये ना धुलने में भी इन्होंने बहुत परेशान किया, जो इनकी कॉटन थी ना अंदर की वो वॉशिंग मशीन में सारे में फैल रही थी, तो फिर अब मैं इनको सी ही दूंगी बस। आज सोचा है कि इनको ठीक करके मैं तभी जो मुझे बाहर रखने हैं वो बाहर रखूंगी, और जो बैड के अंदर डालने हैं वो बैड के अंदर डालूंगी। ये देखिए ये मेरा फेवरेट, एक और इसका ना हार्ट ऐसे है, ये देखिए ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा ही है, ये देखिए क्यूट सा है ना, छोटा सा बिल्कुल। चलिए अब मैं इनको सिलती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि बच्चे कौन कौन से बाहर रखने के लिए कह रहे हैं और कौन कौन से अंदर, तो फिर कुछ रख दूंगी मैं अंदर और कुछ उनके बेड पे, और बेड पे भी ऐसे नहीं रखूंगी, बेड भी मैंने उनका पूरा क्लीन करना है अच्छे वाला, जब सारे टॉयज इनके हट ही गए हैं तो मैं सोच रही हूँ उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग करूँ, उसके बाद ही रखूँ ये सारे टॉयज उसके ऊपर। चलिए फिर देखते हैं, ये सिलते हैं फिर इनको बैठ के।
लेके सबसे पहले ना मैं ये इसका पेट सील देती हूँ। मैं पता नहीं ये काम ना कब से करना सोच रही थी, लेकिन जब मुहूर्त होता है ना जिस काम का वो तभी होता है। आज मैंने सोच लिया था कि इनको तभी हटाऊंगी तब मैं इनको सील दूंगी। फ्रेंड्स देखिए ये सब हो चुका है मेरा सारा काम। अब बच्चे आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि कौन से रखने हैं बाहर और कौन से रखने हैं अंदर। तब ये सारा काम हो चुका है, लंच भी मेरा बन गया था। अब मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैं सोची थी बच्चों के आने से पहले ना ये सारा काम हो जाए। अब मैं ना एक गिलास पीऊँगी दूध, फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनके साथ में ही मैं लंच कर लूँगी। ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का ही रहता है, मेरा मन भी नहीं कर रहा है, तो बस अब मैं पीती हूँ एक गिलास दूध। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इनमें से जो भी सबसे अच्छा टेडी लगा हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।